नई सीमापुरी के सर्वोदय उच्च विद्यालय सी ब्लॉक में सांसद मनोज तिवारी ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया, जिसको लेकर ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं ने सांसद मनोज तिवारी का फूलों से स्वागत किया। मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को वैक्सीनेशन सेंटर चलाने की जिम्मेदारी दी है, यदि आम जनता नियमों का पालन करे तो हम कोरोना की तीसरी लहर को आने से भी रोक सकते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला करना है, सरकार की मदद करें। हम डोर टू डोर वैक्सीनेशन सेंटर का जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोई भी किसी भी तरीके की कोई कमी ना हो। देखिए, इस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सभी को हम वैक्सीन लगाएं। इसके लिए लोगों को मोटिवेट भी करना पड़ रहा है, हमें एक प्लानिंग के अनुसार चलना भी पड़ रहा है। तो हम सभी को कहना चाहते हैं कि इस देश के हर व्यक्ति के लिए, दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए जो 18 साल से ऊपर है, उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दे रहे हैं। केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी है, और ये काम अच्छा से हो जाए वो हमारा मॉनिटरिंग है। इसी के तहत हम कहीं कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं, इस सेंटर पे भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ हमारे SDM भी मौजूद हैं और भी पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ विलम्ब भी हो गया। मेरी कोशिश है कि लोगों में इस अफवाह को भी दूर करना है कि वैक्सीन लगाने से कोई नुकसान होता। अभी हमारी आंखों के सामने दो बहनों को लगा, पीछे हम गए वहाँ भी लगभग 10-12 लोगों को लगते हुए देखे। सभी लोग वैक्सीन ले लें। अभी हम 31 जुलाई तक जो फर्स्ट डोज लिए हैं उनको सेकेंड डोज लगा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डोज लेने के बाद अगर जो कहीं 60 दिन का, कहीं 85 दिन का ये गैप है, इसको अगर लैप्स हो गया तो फिर फर्स्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम 31 जुलाई तक दूसरा डोज दे रहे हैं, 31 जुलाई के बाद फिर से फर्स्ट डोज के लिए, क्योंकि वैक्सीन तो एक ही है, बस डोज उसको इतने एक एक गैप पे लेना है। हमारी मीडिया से भी प्रार्थना है कि आप सब अपने तमाम न्यूज़ के साथ साथ इसका भी एक जागरण प्रोग्राम चलाएं कि लोग वैक्सीन लगाएं। कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना के तीसरे लहर की बहुत सारी संभावनाएं हमारी चुनौती के रूप में खड़ी है, लेकिन हम अगर सभी लोग वैक्सीन ले लिए तो तीसरा लहर नहीं आएगा। इसलिए हम सबको मिल करके काम करना है, और जब तक सबको 100% हम नहीं लगा लेते हैं वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। सर, मीडिया तो अपने काम कर चुकी है, लेकिन जो मीडिया परिवार है सर वैक्सीन के लिए, कम से कम उसको इतनी सुविधा होनी चाहिए कि अपने परिवार को आने के बाद वो फॉरन रजिस्ट्रेशन करा कर उसकी, क्योंकि मीडिया दिनों 24 घंटे आपकी सेवा में रहती है। हाँ, किसी तो को दिक्कत है क्या? की भी जिम्मेदारी देखिए, हम लोग तो 50% वॉकिंग रख रहे हैं, 100% अब हो गया। देखिए, पीछे हमारा 50% जो शेड्यूल लेना पड़ता था, वही 50% वॉकिंग लोग आके करके जाते थे, लेकिन अभी जैसे जिनका लग गया उनका सेकेंड डोज तो लगाना जरूरी है। 1 तारीख से जो भी लोग हों आप आइए, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और लग जाएगा। कई बार अफवाहें भी फैल जाती हैं कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की दिक्कत नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक सिस्टम के तहत पहला डोज, फिर उनको दूसरा डोज, फिर पहला डोज लगाएंगे, फिर दूसरा डोज। हम लोग दिसंबर के लास्ट होते होते हम 18 साल के नीचे भी जाएंगे, लेकिन 18 साल तक के लोगों को दिसंबर के लास्ट होते होते हम वैक्सीन लगा ही देंगे, और उसमें मीडिया के लोग तो फ्रंट लाइनर है हमारे लिए। जी जी जी, आप लोग अगर कोई दिक्कत आती है तो आप सबके पास मेरा नंबर है, आप कोई भी आपका साथी मुझे कह दे तो मैं एक स्पेशल प्रोग्राम आपका बनवा दूंगा, जिला प्रशासन से बात कर। यही चाहते हैं जो परिवार। तीसरी बैब आने वाली है, जिस तरीके से सितंबर की बात की जाए, सितंबर में तीसरी लहर आएगी, क्या तैयारी है? देखो, ये आएगी कि नहीं आएगी हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हर आदमी ने वैक्सीन लगा लिया तो नहीं आएगी,
सर लोग कोरोना नियमों का भी तो पालन नहीं कर रहे, बाजारों में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। देखो ये बात सही है, कई जगह रोजी रोटी के भी बहुत सवाल है, लेकिन उसके बाद भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना, मास्क लगा के मैक्सिमम चलना, एक दूसरे से टच न होना, और सबसे ज़रूरी है कि अपने हाथ से तब तक नाक और मुंह मत छूइए जब तक सैनिटाइज या हाथ साबुन से न धो लिए हो, या आपको कंफर्म न हो कि हमारे हाथ से किसी का हाथ टच नहीं हुआ है, कोई सोफ़ा नहीं टच हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं टच हुआ है, तो ये सावधानियां रख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।